से आइए आप आराम से है ना सबसे खतरनाक गुफा यही अब तक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बनारसी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग का मैं खूब ढेर सारा वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और बहुत दिन के बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं बहुत दिन के बाद, मुझे लग रहा है 1 ईयर हो गए जो मैंने वीडियो डाला है। ये ब्लॉग समथिंग स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल। इस ब्लॉग को आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने थोड़ा शूट किया, मेरे पापा जी ने शूट किया, मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर जी ने, चार चार लोगों का प्यार इसमें है, तो आप समझ सकते हो। और हमारी दादी आई थी, तो ये ब्लॉग तो बनता ही था। पापा ने भी बोला कि ब्लॉग शूट कर लो, क्योंकि दादी आई हैं और दादी हमारी 80 साल प्लस हो गई हैं, तो हम चाहते हर एक मोमेंट कैप्चर करें। तो आपको इसमें ऐसा नहीं कि मैं पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करूँगी, जी नहीं, पूरी वीडियो आपको एकदम शुद्ध बनारसी भाषा में आपको मिलेगी, जी हाँ। तो आप लोग इन्जॉय करिएगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे सीन मैंने कैप्चर किए हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग घर बैठे भी दृश्य देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है सोनभद्र का। तो वीडियो है, फोटो नहीं है। दादी लोग तो नहीं खे, मम्मी दादी यहाँ आ जाओ, आगे से बनाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। कैमरा पापा, तो हम लोग दिखने लगे हैं। बंद करो। पहले ये कई रोड था ना, उसी से आते जाते थे। देखो नीचे कभी ये है बिरोली का पत्थर, देखो का पिछवा। तो हम जा रहे थे वैष्णो देवी, जो डाला में पड़ते हैं, तो यहाँ हम पुलिस लाइन से मैक्सिमम 25 या 30 मिनट लगा था, और जो नज़ारा था बहुत ही खूबसूरत था। और ये रोड जो हम अभी जा रहे हैं ना, यू पिन करके था, हम बहुत नीचे गए और बहुत ऊपर। बरसात के टाइम में अगर आप घूमना चाहते हैं सोनभद्र का, अगर नज़ारा अगर देखना चाहते हो, तो सबसे परफेक्ट टाइम होता है बरसात के टाइम में, आप आओ। बहुत ही अच्छा यहाँ पर हरियाली रहती है, फिलहाल हरियाली है पर अब सूखा हो रहा है, तो आप बरसात में आओ, विज़िट करो, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ के। बस पेड़ पौधे, अगर आप नेचुरल चीज़ें पसंद करते हैं, प्राकृतिक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और हम तो यहाँ पे आसपास ही रहते हैं यहाँ पे, तो मैं वैसे कहीं नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम मम्मी पापा आए थे, मतलब मेरे सास ससुर दादी, तो हम लोग गए। वैसे मैं कहीं भी नहीं गई हूँ घूमने, बट हाँ मैं बहुत जल्दी जाऊँगी जुलाई अगस्त में, जब मम्मी पापा आएंगे फिर उन लोग के साथ हम फिर से चलेंगे घूमने। बहुत सारे फॉल वगैरह हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया है, माँ ने बोला है कि बरसात के टाइम में आया जाएगा तो फिर घुमा जाएगा, तो फिर मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाऊँगी। रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और पापा इसमें कंटिन्यू बता रहे थे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पापा यहाँ पे लगभग 1.5 साल यहाँ पर उन्होंने जॉब किया है, तो उनको हर चीज़ पता था। और ये जो आपको नदी दिख रही है, ये है सोन नदी, जिसका नाम इसी के नाम पे सोनभद्र पड़ा है, जहाँ की बोलते हैं लोग इसमें पहले सोना मिलता था। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हाँ इसी सोन नदी से पापा ने बताया कि लाल वाला जो बालू होता है, ये खदान होता है, यहाँ से लाल बालू निकलता है, तो यहीं से लाल बालू निकलता है, तो हमारे जो घर वगैरह बनते हैं वहाँ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा था, और हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे वैष्णो देवी। आप लोग प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर से हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। भैया आगे लिता के है 10
हजार रुपया ऊपर भी लग रहा है। 10,000 चलता है चौला आ गया और कहा भीड़ लगा है भाई, कौन हम तो लगा अभी बहुत दूर बा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और मुझे पता भी नहीं चला कि हम आ गए। 25 मिनट मुश्किल से 25 मिनट लगा होगा। पापा बोले ला आ गए, तो बोले आ गए, बोले हाँ। तो यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि हम लोग ऐसे ही आलतू फालतू की बातें कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ मैंने अमरजीत भैया को कैमरा दे दिया और मैं यहाँ भागते हुए जा रही हूँ क्योंकि ज़मीन बहुत जल रही थी और मैं चाह रही थी मैं भी कैमरे में आ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे हम लोग बात करें। पापा ने बोला स्लीपर, तो हम लोगों ने मैंने हम लोगों ने गाड़ी में रख दिया। तो पापा भी गए अपना शूज़ रखने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा है। इधर मार्केट है छोटा सा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है जैसे आपको पता होगा। जहाँ भी आप दर्शन करने जाते तो वही नारियल फूल चुनरी और सिंदूर सिंगार के सामान, हर मार्केट तो औरतों का ही होता है भाई, कहीं भी जाओ आदमी का तो कोई मार्केट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे यही सब छोटी मोटी चीज़ें थी, एक दो था सैंडविच वगैरह, फास्ट फूड की शॉप थी, मिठाई की शॉप थी, प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये मेरे रहे महादेव जो कि घूम रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे छोटा बच्चा दादी को बुला के आया, दादी बोली अरे अरे अरे, तो फिर हम लोग पकड़े। तो हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे, मैंने माँ को बोला कि दादी ने कैसे बोला, तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे हैं। फिर हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हम लोग अब सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई वॉइस ओवर नहीं करूँ, अब आप लोग रियल वॉइस सुनिए और क्या है। मैंने पूरा गुफा का मैंने एकदम लिया है एक चीज, एक एक सीन, तो आप लोग देखिए। कहाँ चलना है किधर रुका हूँ, दादी को पहले तुम आशीर्वाद ले लेना, आशीर्वाद ले वाली दादी लाखों तीन मर्जी जाओ दुनिया परिक्रमा करे दिन परिक्रमा कर लेंगे। दादी इसका थी फोटो खिंचा कर खड़ी है इन दादी, कैसे जाना है, कैसे जाना है, पापा बोल रहे हैं कहाँ जाना है, अब इधर आइए तब ना, इधर इधर चलना है। हाँ चल आवा, अय्या आवा, ये हर बार अकेले की तरह तो आज तक बेइज्जती कर वीडियो में। चलिए आप लोग हम वीडियो शूट कर रहे हैं, नहीं आगे से कैसे बनेगा, मंदिर में मम्मी उधर दादी के लिए, दादी की मम्मी है, चला 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 ना,
नहीं हम नहीं जाएंगे, जा दादी। हो देखो नाग बाबा
और देखा वो देखो देखा ना देखा है देखा तो देखा ए वो है दिखा था दिखा कहाँ बहुत काला कारीगिरी बहुत अच्छी है और ये वो देखो अजगर पेट फूल देखो कारीगिरी अच्छी है ना दादी फिर से गोड़ लगा हाँ गोड़वा लगा वीडियो ले लही तू का मर्जी आराम रहा ना आने में हाँ। दादी कुल गोड़ उड़ पढ़ लेनी कुल गोड़ पढ़ लेनी आराम आराम से चला जा आए घंटी बजाइए घंटी बजा तो चला पापा घंटिया बजावा कपड़ा के ऊपर है चला माँ चला चला माँ वही मैं चल जल्दी हाँ वैष्णो देवी को वही में है सबसे खतरनाक गुफा यही अब तक आ गई यही है गई आ गए वो लोग हम आ गए मोबाइल बंद करके रखेंगे तो ऐसे अच्छा यही गेटवा से ना घुस के गलती जा देख ले रहे हाँ चला अब का एगो और गुफा चला 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 छूट जी हाँ चला 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 ना पिछड़ जा ली लाइन चलिए भाई अरे रुकिए भाई आराम से आराम से आराम से दादी तो वो पहुंच गई दादी तो पुन 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 चलिए
दादी तो पुन 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 चल यार कहा वैसे निकल जाएगा बाहर और का? हमारा दर्शन हुआ कंप्लीट। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हम लोग के बनारसी भाषा में? थोड़ा गाजीपुर मिक्स भी था, तो ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो